आइए 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 राजीव जी, आइए बैठिए बैठिए। आप छाती सहला रहे, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? नहीं, बस थोड़ी सुबह से बदहजमी है बस। काव्या की पोस्टिंग आ गई है भाई साहब। जानते हैं हम, कमलपुर ज्यादा दूर नहीं है। अंजलि को भी हमने यही समझाया कि एक ही घंटा लगेगा, मगर भाई साहब को फिर भी आप लोग परेशान हैं ना काव्या को लेकर। आज तक बड़ों की निगरानी में रही है बच्ची, अब बाहर की दुनिया में जाएगी, नई जगह, नई चुनौतियां, ये सब समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा। अब उसका खुद उड़ान भरने का वक्त आ गया है, आस्था रखिए अपनी परवरिश पे। ऐसा वो जगह तो सही है ना, कहीं कठिन पोस्टिंग तो नहीं होगी? देखिए, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, ये भमलपुर की पोस्टिंग कठिन तो है। सारा जो इलीगल अवैध शराब का धंधा है वहीं से ऑपरेट होता है, और इसीलिए काव्या जैसे काबिल ऑफिसर की पोस्टिंग की गई है वहां पे, क्योंकि काव्या के दिल में देश के लिए निष्ठा भी है और मुश्किलों का सामना करने का हौसला भी। हम घर से फूले नहीं समा रहे हैं, लेकिन डर से कांप भी रहे हैं कहीं। राजीव जी, बस एक ही चीज कह सकता हूं मैं आपसे, आप अकेले नहीं हैं। नव्या के वक्त शायद आप अकेले थे, मगर इस बार हम सब आपके साथ हैं। हाँ, चिंता करने की क्या बात है, शुभ है ना काव्या के साथ, वो रोज भमलपुर अप डाउन करेगा जब तक काव्या पूरी तरह से सेटल ना हो जाए, निश्चिंत रहिए। वैसे आंटी, एक बात पूछे हम आपसे, क्या एक लड़की दोनों फर्ज नहीं निभा सकती है? मतलब हमें अपने काम और परिवार दोनों से ही बहुत प्यार है, क्या एक को चुनना बहुत जरूरी है? और एक लड़की के लिए घर और काम दोनों में कामयाबी पाना, ये हो क्यों नहीं सकता? मुश्किल है काव्या, इसलिए नहीं कि औरत दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती, बल्कि औरत में ये सामर्थ्य है कि वो बहुत सारी भूमिकाएं एक साथ निभा सकती है। अब देखो ना, मर्द जब अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं, कहा जाता है कि वो अपना फर्ज निभा रहा है परिवार के लिए, और जब यही काम औरत करती है तो कहा जाता है कि वो सेल्फिश है, उसे अपने परिवार का ख्याल ही नहीं है। औरत में कमी नहीं है, कमी दुनिया के नजरिए में है काव्या, इसीलिए ना मुमकिन भी मुश्किल लगता है। मतलब मुश्किल को मुमकिन बनाना हमारे हाथ में है? तुम्हारे हाथ में है काव्या, मैं अपनी इनिंग खेल चुकी हूँ, अब मैदान में तुम हो, और इस विकेट पर टिके रहने के लिए पिच में दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए। गिरी ये सब्जी बहुत अच्छी बनाता है। वैसे वो आज क्यों नहीं आया आपके साथ, झगड़ा हुआ है? महिला आश्रम जाना ना आपको, कल चली जाना अकेले, नहीं जाएंगे हम तुम्हारे साथ। नहीं मतलब हमें इतना बता दीजिए कि ज्यादा गुस्सा कौन है, आप है या वो है? कहना जब हमारे घर में हमारी मम्मी पापा की लड़ाई होती है तो हम ज्यादा गर्म वाले को ठंडा करते हैं और हमारा भाई दूसरे को। हम तो आज तक आदि और ओभी को ये सारी बातें बता ही नहीं पाए, बल्कि गिरी और हम भी आपस में इस बारे में कोई बात नहीं करते, बस साल में एक बार खाना लेकर यहाँ आ जाते हैं और अपने बच्चे को याद करते हैं। आंटी, सब्जी जल रही है, अरे दो मुझे दो। चोरों की दाढ़ी में कढ़ाइया। आमा, आठ सौ में बता दीजिए ना, अब हर साल यहाँ क्यों आती है,
और यहाँ के इतनी इमोशनल क्यों हो जाती है आप? कोई तो बात है ना, बताइए हमें। आदि, तुम्हें हर एक चीज क्यों जाननी है? प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है ना? बहुत ही बेकार चीज होती है, झूठ धोखा राज सब बकवास है। वो इसीलिए क्योंकि तुम्हें किसी पे भरोसा नहीं है। ओहो, तुम तो भरोसे की बात करो ही मत काव्या। हमने तुम पे भरोसा किया था ना, और क्या मिला हमें? तुम्हें बस भरोसा तोड़ना आता है। आदि, तुम हर बात पे इससे लड़ाई क्यों करने लगते हो? माँ, दो में हम पकड़ लेते। आदि, हम उठा रहे ना, ऑलरेडी छोड़ो। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है काव्या बंसल, हमेशा सुपरवूमन बनना जरूरी है क्या? नहीं ना, लाओ हम पकड़ लेते हैं। तुम जिद क्यों कर रहे हो? तुम्हें बात समझ में नहीं आती है? तुम अब तक ना ही तो करती आई हो काव्या। हाँ, तुमने कहा ही कब? कुछ नहीं। लाओ भी लाओ, यहां रख दो। रखो रखो रखो, संभाल के। खबर मिली थी कि खाने का टेम्पो पलट गया है, तो ताजा बनवा के लाए। सब्जी है, पूरी है, हलवा है, रायता है, एकदम स्वादिष्ट बढ़िया खाना बनवाया। किसी चीज की कमी तो नहीं? ओहो, थोड़ी देर हो गई हमें। भाई, आपके शुभचिंतकों ने सारा इंतजाम कर दिया है। यही सही मौका है गिरिराज जी और आंटी के बीच कड़वाहट कम करने का। ये देखो, कड़ाई तो संभलती नहीं, चले देश को संभालने। अच्छा, वैसे अब आप अपना हलवा खिला सकते हैं। सॉरी आंटी, हम अभी चलते हैं। आइए आप लोग, आइए, आज हम आपको खाना खिलाते हैं। आइए आइए। हड़ताल है क्या आज? एक गाड़ी नहीं है सड़क पे। बैठ जा, छोड़ दूंगा। नहीं, थैंक यू। काव्या, हमें देखती तुम्हारी भाषा थी लिमिटेड क्यों जाती है? हर बात पे नहीं 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 नहीं, हमेशा एक बार हाँ बोल के देखो ना। ऐसे मुंह खोलो अपना। हाँ हाँ, आ आ बोलो ना, अच्छा लगेगा, बोलो। नहीं, हमें वैसे ही बाइक्स पसंद नहीं है। और तुम अनुषा को बिठा लो ना। अनुषा भी आई है? कहाँ है? फोन कर लो, बुला लो, बिठा लो, वहां बोल देगी।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.